सुहाग रात में शिव पार्वती प्रेमालाप करते हैं। विदाई का समय समीप आता है तो मैना अपनी पुत्री पार्वती के लिए विकल हो उठती है। विदा की कारुणिक बेला सभी को पीड़ित कर देती है। नाचते गाते देवगण व शिवगण बारात लेकर कैलाश पर आते हैं। शिव पार्वती की जय जयकार होती है। शिव सभी का आभार मानते हुए तारकासुर से मुक्ति का आश्वासन देते हैं। किंतु ऐसी आनंदपूर्ण स्थिति में भी परम शिव भक्त नंदी के मन की स्थिति स्वस्थ नहीं थी। उनकी पीड़ा का कारण जानने के लिए सुयशा उपस्थित हुई। स्वामी, आज आपके मुखमंडल पर विषाद क्यों छाया हुआ है? क्या कारण है? कारण तो स्वाभाविक है, मैं उसका उपाय सोच रहा हूं। कारण स्वाभाविक है और उपाय नहीं मिलता, ऐसी क्या बात है? मैं प्रतिदिन हर पल भोलेनाथ के दर्शन करता था, परंतु कई दिनों से भोलेनाथ भवन से बाहर ही नहीं निकले। मैं दर्शन भी नहीं कर सका, इसलिए मेरा मन व्याकुल है। भोलेनाथ के भोले नंदी महाराज विवाह के पश्चात भगवान शिव और माँ पार्वती समाधि स्थल पे तब दर्शन देंगे जब प्रणय का महामिलन पूर्ण होगा। इस समय जगत की समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाती है। चिंता? हाँ, यह समय केवल चिंतन का है। हमारा यह प्रथम मिलन, एक महापर्व, तुमने घोर तपस्या करने के पश्चात हमें प्राप्त किया है। इस सत्य से मैं परिचित हूं। तो तुम्हारी इस कठोर तपस्या का उत्तर हम अपने प्रगाढ़ प्रेम से प्रदान करेंगे। वह तो आप सदा से करते आए हैं। मैं प्रकृति हूँ और आप पुरुष। तुम शक्ति और मैं शिव। हमारे इस प्रणय मिलन के महापर्व में कोई बात नहीं है देवी। निमिकड़ी निमिकड़ी मरूबाजे
शिव पार्वती महामिलन के पश्चात शिव लीला द्वारा ऐसे रूप जाल की रचना आरंभ हुई जिससे तारकासुर मृत्यु के निकट आता गया। यद्यपि भगवान शिव ने देवराज इंद्र को तारकासुर के वध का आश्वासन दिया था, फिर भी देवराज तारकासुर के भय से मुक्त नहीं हो पाए। भोलेनाथ ने हमें आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही हमें तारकासुर के भय से मुक्ति मिल जाएगी। असुराधिपति महाबली तारकासुर की जय! असुराधिपति महाबली तारकासुर की जय! महाबली तारकासुर की जय! रुक जाओ, तुम लोग स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। परंतु क्यों? स्वर्ग में हमें प्रवेश करने से रोकने का कारण? स्वर्ग लोक तुम्हारा नहीं है, महाबली तारकासुर का है। और जब तक तुम लोग महाबली तारकासुर को स्वर्ग का अधिपति स्वीकार नहीं करोगे, तब तक हम तुम्हें स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने देंगे। ये कैसी हठधर्मी और उद्दंडता है भीमासुर? स्वर्ग का अधिपति इंद्र होता है, इसीलिए जब तुम्हारे स्वामी ने अनाधिकार रूप से स्वर्ग पर अपना अधिकार प्राप्त किया तो उनके वरदाता ब्रह्मा जी ने उन्हें स्वर्ग से बहिष्कृत कर दिया। इतना सब कुछ घटने पर भी ये सत्य तुम्हारी समझ नहीं आया कि स्वर्ग पर केवल इंद्र का अधिकार होता है, केवल इंद्र का? बंद करो अपनी ये बकवास, ले चलो इनको महाबली तारकासुर के पास, शोणितपुर जाओ। असुराधिपति महाबली तारकासुर की जय! असुराधिपति महाबली तारकासुर की जय! देवर्षि, आप और मेरे जय बोलने से क्या वो दुष्ट स्वर्ग का अधिपति बन जाएगा? देवराज, संकट टालने के लिए कुछ शब्द इधर करने पड़ते हैं, किंतु उनके अर्थ उधर नहीं हो जाते। नारायण नारायण, अर्थात नारद लीला। समय की बलिहारी है। क्या घुसर फुसर चल रहा है? फुसर नहीं, केवल घुसर। प्रयत्न कर रहा हूँ कि महाबली तारकासुर के जय घोष करने का सत्य इनकी बुद्धि में घुस सके। बोलिए, असुराधिपति महाबली तारकासुर की जय! असुराधिपति महाबली तारकासुर की जय! असुराधिपति महाबली तारकासुर की जय!
इंद्र ने महाबली तारकासुर का जय घोष कर उन्हें स्वर्ग का अधिपति स्वीकार कर लिया। इंद्र के साथ साथ सभी देवताओं ने स्वीकार कर लिया है। भगवान शिव ने मुझे तारकासुर को समझाने का आदेश दिया है, मैं वही जा रहा हूँ। और आप सब भी जय घोष करते हुए स्वर्ग का मार्ग पकड़ लीजिए। नारायण नारायण। असुराधिपति महाबली तारकासुर की जय। छोड़ दो इन्हें। असुराधिपति महाबली तारकासुर की जय। असुराधिपति महाबली तारकासुर की जय। चलो महाबली तारकासुर को यह समाचार देते हैं कि देवताओं ने उनका जय घोष किया और उन्हें स्वर्ग का अधिपति स्वीकार किया। चलो स्वर्गाधिपति दानवराज महाबली तारकासुर की जय हो। ये तुम क्या कह रहे हो मेघासुर? जो सत्य है वही कह रहा हूँ महाबली। देवगढ़ हमारी शक्ति और सामर्थ्य से भयभीत हो गए हैं। उन्होंने स्वर्ग पर आपका अधिपत्य स्वीकार कर लिया है। यही उपयुक्त समय है जब स्वर्ग पर आक्रमण कर हम उस पर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। वाह वाह मेघासुर वाह। कभी कभी हमें लगता है कि तुम हमसे भी अधिक बुद्धिमान हो। तुम्हारा परामर्श सुनकर हमें अत्यंत प्रसन्नता हुई। देवगण भयभीत होंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आक्रमण की तैयारी करो। नारायण नारायण। ये भूल कदापि ना करना दैत्यराज। यदि आपने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया तो भगवान शिवशंकर आप पर क्रोधित हो उठेंगे। इससे पूर्व भी आप स्वर्गलोक पर आक्रमण करने के भयंकर परिणाम भुगत चुके हैं। तो क्या वो देवगढ़ का जय जयकार? शांत रहो मेघासुर, हमें विचार करने दो। नारायण नारायण। आपके साथ मिलकर मैं विचार करने ही तो यहाँ आया हूँ दैत्यराज। भगवान शिवशंकर ने मुझे इसीलिए तो यहाँ भेजा है। भगवान शिवशंकर का संदेश सुनते ही आप अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। संदेश? कैसा संदेश? शीघ्र कहो नारद। मैं यहाँ भगवान शिवशंकर की ओर से शांति का संदेश लेकर आया हूँ। यदि आप देवताओं और ऋषि मुनियों पर अत्याचार करना बंद कर दे तो शिवजी की कृपा आप पर हो सकती है। यदि देवगण पर आपका आतंक समाप्त हो जाएगा तो आप पर भी शिवपुत्र का आतंक समाप्त हो जाएगा। हाँ, तो सारे विवाद की जड़ आतंक है। सत्य तो यही है दैत्यराज कि आतंक से किसी को कोई प्राप्ति नहीं हुई और ना ही किसी का हित हुआ है। हुआ तो नहीं है? हुआ भी नहीं और भविष्य में होगा भी नहीं दैत्यराज। नारायण नारायण। ये भी सत्य है। तो फिर सत्य को स्वीकार करने में आपत्ति कहाँ है? विलंब क्यों हो रहा है दैत्यराज? ये सत्य तो जगविदित है। जो शिवजी के आदेशानुसार आचरण करता है शिवजी उसकी सदा रक्षा करते हैं। नारद तुम जो कह रहे हो वो सत्य है और मैं जो कह रही हूँ। महाबली नहीं, आप नारद के बहकावे में ना आए। ये देवताओं का मित्र और हमारा शत्रु है महाबली। ये कभी भी हमारा हित नहीं सोच सकता। हाँ महाबली, जब स्वयं देवताओं ने आपको स्वर्गलोक का अधिपति स्वीकार कर लिया तो आप विचार क्यों और संदेह कैसा? मेघासुर ठीक कह रहे हैं स्वामी। स्वर्ग पर तुरंत आक्रमण करें और उस पर अधिकार करें। नारद की बातों में ना आए महाबली, ये ढोंगी है, गीला रचाता रहता है। नारायण नारायण। पापियों के बीच में सज्जनता ही पाप है। चलो नारद चलो। नारायण नारायण नारायण। आपकी आज्ञा हो तो स्वर्ग पर आक्रमण की तैयारी करें महाबली। अवश्य स्वर्ग पर आक्रमण हो। तारकासुर स्वर्ग पर आक्रमण करेगा? अशुभ समाचार है देवराज। क्या अहित किया है हमने दुष्ट तारकासुर का? देवराज, असुर हित अहित कहाँ विचारते हैं? पर ब्रह्मदेव ने तो उसे सदा सदा के लिए स्वर्ग से निष्कासित कर दिया था, फिर उसने इतना साहस कैसे किया?
विचार भी करें? साहस नहीं, दुस्साहस। किंतु अब होगा क्या? होगा क्या और होगा कैसे, ये शब्द आत्मविश्वास और बल के अभाव का परिचय देते हैं अग्निदेव। आत्मबल का अभाव मन को विकल कर देता है। पुरुषार्थ की वृत्ति को अपनाने वाले प्रतिकूल परिस्थिति से डरते नहीं, प्रत्युत उसी को पैरों तले दबाकर कर्म के पथ पर बढ़े जाते हैं। गुरुवर, परिस्थिति प्रतिकूल ही नहीं जटिल भी है। तारकासुर स्वर्ग पर आक्रमण करने आ रहा है। गुरुदेव, अब तो हमें ब्रह्मदेव के पास जाना ही होगा। देवराज, विधाता भी उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं अपना सहायक सिद्ध हो सकता है। अर्थात? अर्थ स्पष्ट है देवराज। सदा भयभीत और आतंकित होकर देवताओं ने अपनी शक्ति का प्रयोग तारकासुर के विरुद्ध कभी नहीं किया। देवताओं के भय से तारकासुर उसी तरह शक्तिशाली होता गया जिस तरह दुष्टों के भय से भयभीत होकर सज्जन दुष्टों को और अधिक दुष्ट और अत्याचारी बनाते हैं। यही सत्य है गुरुवर, सत्य यही है। भयभीत या आतंकित होने का कोई कारण भी तो नहीं है देवराज। वरदान तारकासुर ने अपने तप के बल पर लिया है। ब्रह्मा जी ने अति प्रसन्न होकर उसके सात्विक भाव या सद्भावना के लिए उसे दिया नहीं है। लिया अथवा दिया, जो भी है गुरुदेव, तारकासुर को ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है। पर आप सबको उनकी कृपा प्राप्त। तारकासुर को दिए गए कृपाहीन वरदान का भेद प्रकट हो गया था जब ब्रह्मदेव ने तारकासुर को स्वर्ग से भगाया था। ऐसा करके उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो आपके साथ है, आप ही के पक्ष में है और उनका आशीर्वाद भी आप सभी को प्राप्त है। ऐसी स्थिति में आप सभी को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके तारकासुर को ऐसा दंड देना चाहिए कि वो स्वर्ग के विषय में सोचने तक का साहस न कर सके। ऐसा ही होगा गुरुदेव, हम ऐसा ही करेंगे। हाँ, हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो अब हमें तारकासुर के आक्रमण का उत्तर देने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। अवश्य मेघदेव, अवश्य हम तारकासुर के आक्रमण का कठोर से कठोर उत्तर देंगे।